देख रहे YouTube चैनल ITI2CTI क्लासेज। मैं देवेंद्र सर, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ट्रेड थ्योरी की क्लास। और उसमें जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर करवाया था बारीक मापी औजार वाला, उसके जो कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ, क्योंकि जो सेकंड चैप्टर वो क्या है हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है। स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है, तो किसका बना होता है, ये होता है स्टेनलेस स्टील का, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, बिजली के तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का, किसका, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रिटिश प्रणाली में क्या होती है, गज होती है, गज, इंच होती है, फुट होती है, गज होती है। यदि ये तीनों दिए हों तो आपने जो बड़ी होती है उसको एक्यूरेट मानना है, सही मानना है, तो क्या, गज। ठीक है, नंबर चार पे आता है कि श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से कितना बड़ा होता है, तो ये है 1/10 इंच से 7/16 इंच तक बड़ा होता है। कितना होता है, 1/10 इंच से 7/16 इंच बड़ा होता है, ठीक है। और जो श्रिंक रूल होता है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं हम, पैटर्न बनाने के लिए, किस लिए, पैटर्न बनाने बनाने के लिए। ठीक है, इससे आ जाता है पांच नंबर क्वेश्चन कि साधारण कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं। जो साधारण कैलिपर होते हैं किस धातु के बनाए जाते हैं, वो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं, किसके, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के। ठीक है, इससे आगे है छह नंबर क्वेश्चन है हमारा कि साधारण कैलिपर का साइज होता है, साइज कैसे नापा जाता है, वो मतलब रिविट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, क्या, रिविट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। ठीक है, तो इससे आगे है सात नंबर क्वेश्चन कि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम बताइए। जो जेनी कैलिपर होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, आर्मोफ्रोडाइट, आर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। और इसे क्या कहते हैं, ओडलैग कैलिपर भी कहते हैं, क्या, ओडलैग कैलिपर। और इसे लंगड़ा कैलिपर भी कहा जाता है, जेनी कैलिपर को क्या, लंगड़ा कैलिपर। कहा जाता है, ठीक है। इससे आगे आता है आठ नंबर क्वेश्चन है कि ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर का साइज कैसे लिया जाता है, जो कि बस स्टोक का अंदरूनी सिरा और ब्लेड के अंतिम सिरे तक। जैसे कि हमारा ट्राई स्क्वायर इस तरह का होता है, जो हमारा ये नीचे वाला भाग होता है, ये क्या, स्टोक, इसके अंदरूनी सिरे से और ब्लेड के यहां अंतिम सिरे तक लिया जाता है। कैसे लिया जाता है, स्टोक के अंदरूनी सिरा, स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, सिरे तक। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा ट्राई स्क्वेयर होता है उसका साइज लिया जाता है। और ट्राई स्क्वेयर से हम क्या करते हैं, जॉब को 90 डिग्री पर चेक करते हैं। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर चेक करते हैं। जो ये एंगल होता है हमारा वो कितने का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इससे आगे आता है नौ नंबर क्वेश्चन, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या होता है। माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, नट बोल्ट, वह लीड पिच,
इसके लिड और पिच के सिद्धांत पर यह क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। और जो माइक्रोमीटर होता है उसके ऊपर कितनी लीड और पिच की जो थ्रेड कटी होती है, जो ब्रिटिश प्रणाली में होती है, वो होती है 1/40 इंच, यानी कि 1 इंच में 40 चूड़ियां कटी होती हैं। और जो मीट्रिक प्रणाली होती है उसमें होती है 1/2 mm पिच की थ्रेड कटी होते हैं। और जो कि ये होती है मीट्रिक प्रणाली में 1/2 mm की, और ब्रिटिश में कितनी होती है 1/40 इंच, यानी कि 1 इंच में यहाँ कितनी होती है 40, 1 इंच में कितनी 40 थ्रेड, और यहाँ 25 mm में 50 थ्रेड कटी होती हैं, ठीक है। जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वो किसका बनाया जाता है, एनवायर स्टील का बनाया जाता है, किसका, एनवायर स्टील का, वायर स्टील। और जो इसके फेस होते हैं स्पिंडल का और एनविल का जो फेस होता है उसके ऊपर किसकी टिप, कार्बाइड की टिप चढ़ाई जाती है, किसकी, कार्बाइड, कार्बाइड की टिप चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा जो माइक्रोमीटर, और जो हमारा जो इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, क्या, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, वो कम से कम कितना नापता है, 5 mm मापता है, कितना, 5 mm, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर, स्मॉल इनसाइड माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मीटर कितना नापता है, 5 mm नापता है, ठीक है। इससे आगे आता है 10 नंबर क्वेश्चन, आगे आता 10 नंबर क्वेश्चन कि गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से क्या चेक करते हैं, तो गियर टूथ वर्नियर कैलिपर से क्या करते हैं, दांते की मोटाई व अडेंडम चेक करते हैं, क्या, दांते की मोटाई, मोटाई व अडेंडम, डम, अडेंडम चेक किया जाता है। इससे आगे है 11 नंबर क्वेश्चन कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, मीट्रिक प्रणाली में होता है 0.02 mm, मीट्रिक प्रणाली में, और ब्रिटिश प्रणाली में क्या होता है, 0.001 इंच होता है। और यह किस किसका बनाया जाता है, यह स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, किसका, स्टेनलेस स्टील का, जो वर्नियर कैलिपर होता है वो स्टेनलेस स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। और किसका, क्रोमियम स्टील का भी बनाया जाता है, किसका, क्रोमियम, क्रोमियम स्टील का, ठीक है, स्टेनलेस स्टील का और क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। और मीट्रिक प्रणाली में यह 0.02 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 इंच नापता है, ठीक है, कि शुद्धता में नापता है, ठीक है। इससे आगे आता है 12 नंबर क्वेश्चन है कि वर्नियर बैरल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 5 मिनट, कितना होता है, वर्नियर बैरल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट 5 मिनट होता है, कितना होता है, 5 मिनट होता है, ठीक है। इससे आगे है कि वर्नियर बैरल प्रोटेक्टर के एक्यूट एंगल अटैचमेंट के साथ जो कोण होते हैं, जो कोण चेक होते हैं, जो अटैचमेंट होती है, यानी कि इसके साथ जो ब्लेड होता है या स्टोक होता है, उनके फेस कितने पे बने होते हैं, न्यून कोण पर, न्यून कोण, न्यून कोण चेक किया जाता है उससे, क्या किया जाता है, न्यून कोण, ठीक है। इससे आगे है 14 नंबर क्वेश्चन कि साइन बार की लंबाई कैसे नापी जाती है, साइन बार की लंबाई कैसे नापते हैं, कि दोनों जो रोलर लगे होते हैं उसके नीचे, उनके सेंटर के बीच की दूरी, उनकी जो लंबाई होती है, दोनों रोलर्स से सेंटर के बीच की दूरी होती है, वो क्या होती है, साइन बार की लंबाई होती है, ठीक है। और साइन बार किसका बना होता है, साइन बार टूल स्टील का, किसका, टूल स्टील, और किसका बनाया जाता है, स्टेब लाइज्ड, स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का, स्टील जो साइन बार होता है वो हमारा टूल स्टील और स्टेबलाइज्ड क्रोमियम स्टील का बना होता है। और जो इसकी लंबाई होती है स्टैंडर्ड साइज में मिलते हैं, वो होते हैं 100 mm, 250 mm और 500 mm के साइज में यह उपलब्ध होते हैं, ठीक है। और यह कितनी शुद्धता में नापता है, साइन बार कितनी शुद्धता में नापता है, 1 मिनट की शुद्धता में, कितनी, 1 मिनट। और ये किस काम आता है, ये एंगल चेक करने के काम आता है, इससे साइन बार से हम क्या करते हैं, एंगल चेक करते हैं, ठीक है। इससे आगे आता है 15 नंबर क्वेश्चन है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर से आप क्या चेक करते हैं, तो जॉब की जो पैरेललिज्म होता है, जो उसकी
जो सतह होती है, मान लीजिए जो कि ये जोब है, इसके ऊपर की जो फ्लैटनेस है इसकी, उसको चेक करते हैं, और स्ट्रेटनेस यानी कि इसको यदि हम इस तरह से कर लें, और जो इसका ये सीधापन है इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, तो स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस चेक करने के लिए पैरेललिज्म और स्ट्रेटनेस, और जॉब का जो हम लेथ मशीन पर जॉब बांधते हैं उसका क्या, सेंटर निकालने के भी काम आता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, इससे आगे है कि 16 नंबर क्वेश्चन, जो गेज की धातु होती है, गेज किस धातु की बनाई जाती है, गेज होती है जो हमारी, वो किसकी बनाई जाती है, हाई कार्बन स्टील की, हाई कार्बन स्टील। और कुछ गैजेट जो कि अधिक यूज होते हैं और उन्हें घिसने का डर होता है, तो उन्हें हम क्रोमियम स्टील और वेनेडियम स्टील की भी बनाते हैं। किसकी बनाते हैं, क्रोमियम स्टील, स्टील और वेनेडियम स्टील। ठीक है, इससे आगे है 17 नंबर, आगे है 17 नंबर क्वेश्चन कि टेपर गेज से नापा जाता है, टेपर गेज से क्या नापा जाता है, स्लॉट की चौड़ाई व पाइप के अंदर का व्यास, क्या नापा जाता है, स्लॉट की चौड़ाई व पाइप के अंदर का व्यास, पाइप के अंदर का व्यास नापा जाता है टेपर गेज से। इससे आगे है 18 नंबर क्वेश्चन की ड्रिल एंगल गेज का कोण कितना डिग्री होता है, 118 डिग्री, ड्रिल एंगल गेज का जो एंगल गेज का कोण कितना होता है, 118 डिग्री होता है। और इससे हम क्या करते हैं, जब हम ड्रिल बिट को ग्राइंड करते हैं ग्राइंडर पे, तो तब हम उसका जो एंगल होता है उसकी और जो लिप्स की लंबाई होती है उसे नापने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि ड्रिल की सेंटर लाइन से दोनों साइड लिप्स की लंबाई सेम होनी चाहिए और एंगल एक साइड से 59 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसे का यूज किया जाता है। इससे आगे है 19 नंबर कि फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है, फिलर गेज का प्रयोग दो मैचिंग पार्टों के बीच का गैप चेक करने के लिए किया जाता है, इसलिए किया जाता है, दो मैचिंग पार्टों के बीच का गैप चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे आगे है 20 नंबर क्वेश्चन कि ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे जो अंडरकट होता है वो किस लिए होता है, ट्राई स्क्वायर के लिए अंदर जो अंडरकट होता है किस लिए, जोब के किनारे पर की बर को स्थान देने के लिए, किस लिए होता है, जोब के किनारे की बर को स्थान देने के लिए, स्थान देने के लिए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि किस माइक्रोमीटर की एनविल स्पिंडल के साथ 90 डिग्री पर होती है, तो किस माइक्रोमीटर की होती है, ट्यूब माइक्रोमीटर की, किसकी, ट्यूब माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रो मीटर। ठीक है, तो ये थे हमारे जो सेकंड क्वेश्चन चैप्टर था उसके 21 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, और यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।